हेलो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में बात करते हैं NHPC लिमिटेड के स्टॉक की, जिसमें आज बड़ा धमाका हो गया है। इस स्टॉक में आज 2.33% की रैली दिख रही है। ये स्टॉक 44.90 की प्राइस पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आज इस स्टॉक में देखने को मिला है। आइए इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स जो कि आज ही डिक्लेयर हुए हैं डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि क्या कोई डिविडेंड भी दिया है और प्रॉफिट में किस तरह की ग्रोथ हुई है। सारे डिटेल एक एक करके चेक करेंगे, लेकिन नए आए हो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें। दोस्तों, ये जो चैनल है हमारा एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी यहाँ पर गारंटी नहीं होती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, इसलिए आप अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद किसी स्टॉक में निवेश करें। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी लेटेस्ट अपडेट पे चले चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, इस कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों कोई भी स्टॉक हो, जब उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तभी जो है वो स्टॉक में रैली होगी। तो यहाँ पे देखो, इस कंपनी के नंबर्स आ गए हैं। Q4 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 37% की ग्रोथ हो गई है, और जबकि रेवेन्यू में भी जो है 21% का जो है अप ट्रेंड देखने को मिला है, और साथ के साथ इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। मतलब नतीजे ओवरऑल बहुत ही शानदार दिख रहे हैं। तो आइए इस नंबर जो है थोड़े डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हैं। दोस्तों सुबह NHPC स्टॉक में 5% की भी इंट्राडे रैली देखने को मिली थी, क्योंकि जैसे ही इस कंपनी के Q4 की अर्निंग रिलीज हुई तो इस स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट आ गया, क्योंकि ये जो कंपनी है एक हाइड्रो पावर सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी डिफरेंट टाइप के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें डील करती है, और इस कंपनी के जो नंबर्स आए हैं दे आर बेटर देन द एक्सपेक्टेशंस। कंपनी के जो देखो पहले Q4 के नंबर्स, जो नेट प्रॉफिट है 790 करोड़ आया है ऑन ए कंसोलिडेटेड बेसिस, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 515 करोड़ था। यहाँ पे नियरली 39% का जंप देखने को मिल गया है। टोटल इनकम देख लो, वो भी बढ़ के 2228 करोड़ हो गई है फ्रॉम 2026 करोड़ इन ए ईयर अगो क्वार्टर। तो इनकम भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब फाइनेंशियल ईयर वाइज बात करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए नेट प्रॉफिट जो है 4234 करोड़ आया है, जबकि लास्ट ईयर इट वाज 3774 करोड़। यहाँ पे भी अच्छा ट्रेंड देखने को मिला है, अप ट्रेंड देखने को मिला है। टोटल इनकम देख लो, 11,284 करोड़ आई है, इट इज़ हायर देन 10,108 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 22। मतलब नंबर जो हैं GLE वाइज भी बहुत ही शानदार हैं, और जो क्वार्टरली वाइज नंबर्स हैं दे आर आल्सो एक्सलेंट। तो दोस्तों, दिस शेयर हैज़ टस्ट इस 52-वीक हाई ऑफ 47.88 एंड 52-वीक लो ऑफ 28.85 ऑन 27 अप्रैल 2023 एंड ऑन 20 जून 2022। तो मतलब इस स्टॉक में जो है हाईएस्ट लेवल भी देखने को मिले हैं और इसमें लोएस्ट लेवल भी देखने को मिले हैं। तो करंटली इट इज़ ट्रेडिंग 8.9% बिलो इट्स 52-वीक हाई। तो अभी ये स्टॉक जो है अपने 52-वीक हाई से जो है वो 8.9% बिलो ट्रेड कर रहा है एंड 51% अबव द 52-वीक लो। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये स्टॉक हायर साइड पे ही शो कर रहा है। स्टॉक में जो है ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है, टेक्निकली ब्यूलिश मोमेंटम ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो स्टॉक है अपने 52-वीक हाई के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है, और 1 ईयर में ये स्टॉक 31% के जो है वो रिटर्न्स बना के अपने निवेशकों को दे चुका है। दोस्तों साथ के साथ इस कंपनी ने बड़ा डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पे देखो, कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹4.50 मतलब 4.50% दैट इज़ 0.45 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, मतलब 45 पैसे एक शेयर के हिसाब से आपको जो है इसमें जो डिविडेंड है वो दिया जाएगा ऑन द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो अभी इसकी AGM होगी, यदि उसमें अप्रूव हो जाता है तो ये कंपनी अपने निवेशकों को 0.45 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी, एंड दिस इज इन एडिशन टू द इंटरम डिविडेंड ऑफ 1.40 पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। पहले भी ये कंपनी अपने निवेशकों को जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर दे कर चुकी है।
तो इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस देखो, आज ओपनिंग अच्छी हुई थी। ये स्टॉक जो है वो 45 के लेवल के अराउंड भी गया था, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 5 डे में देखो दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई ट्रिगर आता है, पॉजिटिव ट्रिगर आता है, तो स्टॉक ऊपर जाता है, तो फिर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। 5 डेज़ में देखो 1.27% की रैली है, और 1 मंथ में ये स्टॉक 1.35% के हिसाब से गिर चुका है। यहाँ पे देखो ये स्टॉक 46 के लेवल तक भी चला गया था, लेकिन स्लोली स्टेडली इसके चार्ट में गिरावट ही दिख रही है। लेकिन बॉटम फॉर्मेशन के बाद कुछ रिवर्सल इस स्टॉक में जरूर देखने को मिली है। लोअर सपोर्ट लेवल 42.70 के राउंड है, यहाँ से इसमें कुछ रिवर्सल देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में देखो तो 4.40% की रैली है। यदि इसके चार्ट को एनालाइज करो तो इसमें एक ना जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो ध्यान से समझो इसकी, ये इसकी बॉटम की ट्रेंड लाइन बन रही है। मतलब स्टॉक में पॉजिटिव अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसके सपोर्ट जोन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। सिमिलरली एक टॉप पे भी इसका जो है वो ट्रेंड लाइन बनता दिखाई दे रहा है। तो देखो ये ध्यान से इसको देखो, इसका पूरा एनालिसिस करो कि ये स्टॉक अप ट्रेंड शो कर रहा है, ये इसकी ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मोटी मोटी जो देख सकते हो आप, ये नीचे की ट्रेंड लाइन है। मतलब स्टॉक एक अप ट्रेंड जो मोमेंटम में दिख रहा है स्लोली स्टेडली, जैसे ही ये स्टॉक अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर नीचे वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर जाता है, तो कंटिन्यूसली इसी तरह का पैटर्न है। आजकल ये स्टॉक जो है अपनी लोअर ट्रेंड लाइन के अराउंड रिवर्सल शो कर रहा है, ऊपर से एक ट्रिगर भी आ गया है, नंबर पॉजिटिव आ गए हैं, तो ये स्टॉक अपनी अप ट्रेंड वाली जो लाइन है वहाँ पर जाता आपको दिखाई दे सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि एक तरह से पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पे बन रही है, पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। इसका हाईएस्ट लेवल भी 46.7 के बीच में ही दिख रहा है, तो अब ये जो स्टॉक है अपने उस लेवल को क्रॉस करता करके एक नया अप ट्रेंड जरूर बनाता दिखाई दे सकता है। ये इसका अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड 46 के राउंड है, तो ये स्टॉक जैसे ही रिवर्सल शो करेगा तो 46 के लेवल को क्रॉस करेगा जरूर ये, और इवन 50 तक भी जाता दिखाई दे सकता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड भी मिला हुआ है, तो ये स्टॉक जरूर 50 के लेवल को क्रॉस भी करता आपको दिखाई दे सकता है। सारे ट्रेंड पॉजिटिव हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो 50 के टारगेट के लेके नेक्स्ट 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक का इस स्टॉक में आप लेके चल सकते हो। थैंक्स के मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए।